हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? यस, अभी तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन में बिजी होंगे एंड इसी एग्जाम के स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ इस वीडियो को लेकर। यस, फिजिक्स का कंटेंट इस चैनल पर एग्जाम के पहले मैं जितना भी आपको प्रोवाइड करूंगी वो आपकी काफी मदद करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मेक श्योर कि 100% आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे इन वीडियोज की हेल्प से। ठीक है, हमारा इस तरह का स्केड्यूल रहेगा कि हम चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 7 तक क्विक रिवीजन, ठीक है, उसके बेसिस पर एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पर अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, मीन्स अभी आज क्विक रिवीजन का चैप्टर फर्स्ट का हो गया, उसके तुरंत बाद हम एमसीक्यूज एंड उसके बाद असर्शन, रीजन एंड देन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के वीडियो इस तरह से लेकर आएंगे। ठीक है, अब एक वीडियो में सारी चीजें आ जाना तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैंने इन वीडियोज को डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्विक रिवीजन हम चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का देखेंगे। ओके, उसके बेसिस पर आपको एमसीक्यूज और अदर जो भी असर्शन, रीजन एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्विक रिवीजन में मैं जितने भी आपको पॉइंट करवाऊंगी आपको सभी पॉइंट अच्छे से करने हैं। ठीक है, अगर आप ओनली मेरे वीडियोस को फॉलो करें एग्जाम के पहले, हम अरिहंत की बुक से ये कॉन्टेंट लेकर आए। ठीक है, एग्जाम के पहले आप इन वीडियोज को फॉलो करें तो 100% मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्विक रिवीजन। फर्स्ट हम चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो चार्जेस क्या होते हैं? तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमने चार्ज के बारे में ये स्टडी किया था कि ये एक मटीरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो कि फोर्स क्रिएट करती है। ठीक है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल और वी कैन से बॉडी विच क्रिएट्स, प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस द फोर्स। और ये जो फोर्सेस होते हैं ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं एंड रिपल्सिव भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अट्रैक्टिव फोर्स कब होता है, रिपल्सिव फोर्स कब होता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको माइंड में आ रहे होंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स को पढ़ने के पहले हम जरा चार्ज की थोड़ी सी डीप में बात कर लेते हैं कि चार्ज आया कहाँ। एक्चुअली चार्ज जो है वो एटम का एक पार्टिकल है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, एटम में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से एटम का कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, सेंटर पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मेनली तो टू चार्ज पार्टिकल ही है क्योंकि न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ये फंडामेंटल चार्जेस हैं। एक को हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन, एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, तो इस तरह से टू चार्जेस आ गए आपके पास। ओके, अब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज को लेकर हम अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स को कैसे डिफरेंशिएट करें। ठीक है, सो अट्रैक्टिव फोर्स आपका कब होगा, जब आपके पास लाइक चार्जेस होंगे। ठीक है, मीन्स चार्जेस सेम नेचर के होंगे, चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होगा तो वहां रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, एंड चार्ज जब अट्रैक्टिव होगा कब, जब अनलाइक चार्जेस होंगे, या तो पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरह से हमने अट्रैक्टिव और रिपल्सिव ये टू टाइप्स के फोर्सेस देखे और टू टाइप्स के फोर्सेस किस तरह से जनरेट होते हैं चार्जेस में। ठीक है, वो देखा। वैल्यू ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ चार्जेस क्या होता है। सो जनरली चार्जेस पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, मीन्स इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दोनों की वैल्यू सेम होती है, बट नेचर वाइज अगर बात करें तो दोनों का नेचर डिफरेंट होता है, एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होता है। ओके, सो पॉजिटिव प्रोटॉन के लिए हम पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं, नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए कंसिडर करते हैं। सेम वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, कूलम इज द यूनिट, जैसे हम लेंथ के लिए मीटर यूज करते हैं वैसे ही चार्ज के लिए हम कूलम यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है मास ऑफ चार्ज। मास ऑफ चार्ज क्या होता है, तो दोनों चार्जेस के हम मास की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रोटॉन का मास होता है 1.6 × 10⁻²⁷ kg एंड इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg। ठीक है, ये जो वैल्यूज है आपको लर्न करनी है, वो इजीली आपको लर्न हो जाएगी, आप बार बार रिवीजन करेंगे देन। ठीक है, चलिए, प्रोटॉन का मास ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन से, ये सब चीजें फंडामेंटल है, ये सब बेसिक है, आपको आना चाहिए। ठीक है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर रूल्स फॉलो नहीं होते। ठीक है, चार्जेस को आप एड जनरली जो सिंपल वे है एडिशन का वही वे आप यूज करते हैं। ठीक है, चार्जेस को वेक्टर प्रोडक्ट में या वेक्टर में जैसे ऐड करते हैं उस तरह से ऐड नहीं किया जाता, वेक्टर रूल्स फॉलो नहीं होते, इसीलिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट होता है कूलम, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम नॉट एल नॉट टी इंटू ए। ठीक है, ए इज द एम्पियर यूनिट, ठीक है, करंट की यूनिट, जैसे करंट का जो फॉर्मूला होता है I = Q/T, तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q = IT, और इसी से आप डायमेंशनल फार्मूला डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला, अब ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपको MCQs में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको सारी चीजों को लर्न करना है अच्छे से, किसी भी चीज को आपको किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है। ठीक है,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि चार्जेस को न तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं न ही क्रिएट कर सकते, ठीक है, वन बॉडी से अदर बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, तो जनरली इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं वन बॉडी टू अदर बॉडी. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में चार्जेस जो है वो इंटीजर मल्टीपल होता है बेसिक चार्ज का. ई इज द बेसिक चार्ज और इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. ओके, लेट अस मूव नेक्स्ट स्लाइड. सेकंड पॉइंट विल बी कूलम्स फोर्स और वी कैन से कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन और रिपल्शन, फोर्स जो है वो चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड उस चार्ज के बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है. फोर्स जो है वो इज इक्वल्स टू होता है K Q1 Q2 / r². ओके, हियर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है, और वी कैन से इफ वी इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और वी कैन से चार्ज द फोर्स विल बी इंक्रीजेस एंड इफ वी डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज फोर्स इज इंक्रीज. ओके, एंड इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन दैम देन फोर्स विल बी डिक्रीजेस, ठीक है. तो इस तरह से हम कूलम्स फोर्स के बारे में चीजें बता सकते हैं. और कूलम्स फोर्स में ये जो के है दैट इज द कॉन्स्टेंट टर्म एंड इट इज कॉल्ड कूलम्स कॉन्स्टेंट. द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 9 × 10⁹ एंड द यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ओके, एंड के विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 1/4 πε₀. ओके, मीन्स 1/4 πε₀ की वैल्यू भी यही होती है क्योंकि ये के इक्वल होता है. हियर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वी कैन से एयर एंड आल्सो वी कैन से वैक्यूम, ठीक है. वैक्यूम, फ्री स्पेस एंड एयर तीनों के लिए हम जो परमिटिविटी यूज करेंगे, परमिटिविटी जो है वो मीडियम को शो करता है, ठीक है. मीन्स चार्ज किस मीडियम में रखे हैं उसको शो करता है. तो अभी हमने चार्जेस को फ्री स्पेस एयर में रखा है तो हम एप्सिलॉन नॉट का यूज करेंगे. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है. इट इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻¹². ओके, एंड यूनिट इज कूलम. इसे आप सब्जेक्ट कर दीजिए तो आपकी जो वैल्यू आएगी या यूनिट आएगी कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय या पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ओके, इट इज द कूलम्स फोर्स. नाउ द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्शन. That means the force will be vector quantity. ठीक है, हमने class 11th में भी पढ़ा है कि force क्या है, एक vector quantity होती है. Means vector का क्या होता है, magnitude होता है, direction होती है. तो यहाँ पर भी हमने magnitude तो find कर लिया, अब direction की बात करें, ठीक है. तो direction क्या होगी, direction depend करती है nature पर. Charges अगर positive positive होंगे तो उनके बीच में repulsion force लगेगा, ठीक है. Different nature के होंगे तो attraction force लगेगा. तो इस तरह से हम डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं. नाउ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें. सो एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 πε₀ एज इट इज लिखा आपने, ठीक है. Q1 Q2 / r² एज इट इज लिखा. डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज कर सकते हैं, ठीक है. सो आर केप हुआ और आर केप के प्लेस पे हम आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर. सो आर केप के प्लेस पे हमने ये वाली वैल्यू को पुट किया तो आपके पास ये इक्वेशन आया, ठीक है. मेन जो वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है कूलम्स फोर्स का वो ये है. तो इस तरह से हम क्या दे सकते हैं, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं कूलम्स लॉ में. अब हमने क्या किया, फ्री स्पेस के लिए तो एप्सिलॉन नॉट कंसिडर कर लिया, ठीक है. मीडियम जो है वो अभी हमारा फ्री स्पेस है, बट अगर कोई मीडियम आ जाए तो, ठीक है, मीन्स टू चार्जेस एयर से हटाकर आप किसी मीडियम में रखते हैं, तब क्या इक्वेशन आपको यही यूज करनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो, ठीक है. द इक्वेशन विल बी डिफरेंट, ठीक है. कैसे, देखो एक टर्म होता है रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है कि अगर आप फोर्स को, ठीक है, टू चार्जेस हमने इनिशियली सपोज किया कि वो किसी मीडियम में है, तो मीडियम के लिए फोर्स एफ एम हम सपोज करेंगे एफ एम इज इक्वल टू 1/4 πε₀, ठीक है. मीडियम के लिए हम जो परमिटिविटी यूज कर रहे हैं वो ओनली एप्सिलॉन, ठीक है, और फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. एज इट इज फॉर्मूला तो रहेगा, सिर्फ चेंजेस होगा मीडियम के लिए एप्सिलॉन एंड हियर एप्सिलॉन नॉट. इट इज फॉर एयर एंड इट इज फॉर मीडियम, ठीक है. दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगा, ठीक है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. और इसे ही आप बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. इसे एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है. के को जनरली हम क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम एज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी. नाउ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. हियर इन कूलम्स लॉ वी कैन टॉक अबाउट ओनली टू चार्जेस, बट इफ यू हैव मोर देन टू चार्जेस देन व्हाट हैपन, ठीक है, देन वी कैन यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है, अगर एक से ज्यादा चार्ज हो या एक से ज्यादा फोर्स वहां पर लगे, ठीक है. सो एफ इज इक्वल टू एफ नॉट वन. तो ये किस तरह से हमारी इक्वेशन आए, देखो आपके पास मोर देन टू चार्जेस है, Q1 है, Q2 है एंड Q3 है. हमने ये थ्री चार्जेस सपोज कर लिए, ठीक है,
अब क्या किया कि किसी एक जैसे वन चार्ज पर क्यू नॉट भी हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्यू नॉट हम यूज कर रहे हैं, तो क्यू नॉट पर ये सभी चार्जेस क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर चार्ज पर सभी चार्ज अगर फोर्स एक्सर्ट करें, सो दैट इज कॉल्ड द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ओके, अब इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टू चार्जेस को लेंगे, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, सो एफ नॉट इंटू वन, ठीक है। इसका मतलब फोर्स जीरो वन, इसका मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन जीरो या फोर्स ऑन जीरो चार्ज ड्यू टू वन, ठीक है, फोर्स ऑन जीरो चार्ज ड्यू टू टू, फोर्स ऑन जीरो चार्ज ड्यू टू थ्री। तो इस तरह से हम सभी फोर्सेस को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, हम सभी फोर्सेस को ऐड कर देंगे, और एडिशन के बाद जो आपका फाइनल इक्वेशन आया, दैट इज द टोटल फोर्स, और वी कैन से नेट फोर्स। ओके, क्लियर यहां तक। नाउ लेट अस मूव द नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये स्टडी किया था कि अगर आपके पास कोई चार्ज है, ठीक है, सपोज हमने क्यू चार्ज सपोज कर लिया, इसके अराउंड एक फील्ड, एक रीजन ऐसा होता है जहां अदर किसी पार्टिकल, अदर किसी चार्ज को अगर लाएं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है। तो ये जो चार्ज हम लेकर आए हैं वो होता है टेस्ट चार्ज, एंड जो फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है, जो चार्ज फील्ड क्रिएट करता है उसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। ओके, टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज क्या होता है, उसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज क्या होता है, समझ में आया, ठीक है। जिस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रीजन में लेकर आए और वो फोर्स एक्सपीरियंस करे ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, वी कैन से इट इज अ टेस्ट चार्ज, ठीक है। और जो चार्ज फील्ड क्रिएट करता है उसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं। तो यहाँ टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज दो इंपॉर्टेंट चार्जेस यहाँ होते। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज, ठीक है। फोर्स किसी भी चार्ज, यूनिट चार्ज पर लगाया जाता है उसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट होता है, या क्यू भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्यू नॉट। एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, कूलम फोर्स के अलोंग डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। एंड ऐसा यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एंड चार्ज की यूनिट कूलम, सो न्यूटन पर कूलम। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, अगर पॉइंट चार्ज हो, मीन्स सिंगल चार्ज हो, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी। तो फोर्स की वैल्यू हमें पता है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर जो यूनिट चार्ज होगा, ठीक है, एक चार्ज आपका यूनिट चार्ज होगा, सो आप E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू करेंगे, सो क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आपके पास इक्वेशन होगा इज इक्वल टू वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, क्यू टू चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है, फोर्स के फॉर्मूले में टू चार्जेस आ जाते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर ही फोर्स लगा रहे हैं, तो वहां पर फॉर्मूला ये होगा, ठीक है, डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, डायरेक्टेड अवे, पॉजिटिव के लिए डायरेक्टेड अवे एंड नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स द चार्ज। एंड यहां पर भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के लिए सभी फील्ड्स को हमको ऐड करना है, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, और वी कैन से चार्ज सिस्टम विच हैव मेनी ऑफ चार्जेस, देन वी हैव टू यूज द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। E इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, सभी को वैक्टर सम करना है आपको, एंड फाइनली वी गेट दिस इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, सो इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ओके, इफ यू टेक टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए दोनों चार्जेस का, बट नेचर ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है, एक नेगेटिव है सो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, एंड इट इज सेपरेटेड बाई टू एल स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। सो द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डायपोल इज गिवन बाय दिस क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, इस डायपोल की स्ट्रेंथ को शो करने वाला एक फैक्टर, एक क्वांटिटी है जिसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, और इसे पी से, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है मैग्नीट्यूड में, सो ओनली वन चार्ज आप ले लें, ठीक है, एक चार्ज ले लें यहाँ से कहीं से भी उठा लें, पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें। ओके, जब भी आप मैग्नीट्यूड लिखे हैं तो आपको डायरेक्शन के लिए नेगेटिव पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन आपको पता है नेगेटिव टू पॉजिटिव है। ओके, मैग्नीट्यूड तो दोनों चार्जेस का सेम है, तो दोनों चार्जेस की वैल्यू, दोनों में से एक चार्जेस की वैल्यू ले ली आपने क्यू, एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L, सो दिस इज पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, सॉरी द डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, ऐसा यूनिट इज क्यू, इज फॉर कूलम, एंड लेंथ के लिए मीटर, सो कूलम इंटू मीटर। एंड नेट चार्ज, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, नेट चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो नेट चार्ज होता है दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में, दोनों जो चार्जेस आप ले रहे हैं, एक पॉजिटिव ले रहे हैं, एक नेगेटिव ले रहे हैं, और सेम
इक्वल अमाउंट के ले रहे हैं, ठीक है। तो दोनों चार्जेस की वैल्यू इक्वल है, ऑपोजिट हो जाएगा, ऐड करेंगे तो जीरो मिलेगा आपको, ठीक है। सो नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज जीरो एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी डायपोल के बीच किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहें, तो हम सपोज करते हैं कि हमने इस पॉइंट पर फाइंड करना है, ठीक है, पॉइंट पी पर फाइंड करना है। तो क्यू पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे? अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, ठीक है। एंड नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स द चार्ज। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव, ठीक है। मीन्स आपके पास अगर एक ये पॉइंट चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रही है, इन द सेंस डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड, ओके, या अवे फ्रॉम द चार्ज होगा ये पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स द चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आती है, ठीक है, टूवर्ड्स द चार्ज होगा। सो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा है, आप वीडियोस लास्ट वीडियोस देखेंगे अगर इस चैप्टर के, तो मैंने हर एक चीज डेप्थ में समझाई, ठीक है। सेम अगर डायरेक्शन हो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ऐड होता है, अपोजिट हो तो मीन सब्ट्रैक्ट होता है, ओके। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा? एक्सियल का मतलब क्या होता है कि लाइन ऑफ जॉइनिंग। अगर डायपोल आप इस तरह से ले रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और इसकी लाइन ऑफ जॉइनिंग के किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2kp इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ए क्या है? ए इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्ज पार्टिकल, ठीक है, और वी कैन से इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच का डिस्टेंस है, ओके, ए। एंड एक्स क्या है? एक्स पॉइंट पी से इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर का डिस्टेंस, ठीक है। सेंटर को अगर आप ओ कंसिडर कर लें, सो डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी इज एक्स, ओके। सो एक्स एंड ए दोनों फैक्टर पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड होती है। एंड अगर आप इस डायपोल को एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करें, ठीक है, मीन्स आप ए की वैल्यू को स्मॉल कर दें, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल कर दें एज कम्पेयर टू एक्स, तो फॉर्मूला होगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इज इक्वल टू 2kp डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, दिस इज द मैग्नीट्यूड। एंड इफ यू टॉक अबाउट द डायरेक्शन, सो डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, मीन्स टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। कैसे? तो देखो, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई प्लस इस तरह से होगी। एंड नेगेटिव के लिए क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में ई नेगेटिव। अब ई पॉजिटिव बड़ा है या ई नेगेटिव? तो हम देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शन देख लें, डायरेक्शन पी से पॉजिटिव क्यू की डायरेक्शन काफ़ी कम है, मीन्स फोर्स यहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है। फोर्स इज लार्ज एज कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज क्यू, सो ई प्लस इज ग्रेटर देन ई माइनस, ओके। और जो भी क्वांटिटी लार्ज होगी उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ओके। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ओके, मीन्स आपने टू इलेक्ट्रिक चार्जेस लिए, मीन्स डायपोल लिया है, ठीक है। अब इस डायपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द इक्वेटोरियल लाइन इज इक्वल्स टू ई इक्वेटोरियल के पी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हियर ऑल्सो ए इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्ज पार्टिकल्स एंड एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेन एवर वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सेंटर ऑफ दिस डायपोल, ओके। अब यहाँ पर भी अगर आप ए इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स करेंगे तो फाइनली वी हैव इक्वेशन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू के पी बाई एक्स क्यूब, ओके। इन दोनों को अगर रिलेट करें सो ई नेट एक्चुअल फॉर्म में ट्वाइस होगा एज कम्पेयर टू द इक्वेटोरियल लाइन, ओके, क्लियर है। नाउ डायरेक्शन की बात करें, इक्वेटोरियल लाइन में डायरेक्शन क्या होगा? सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट होगा, ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल होती है, ये तो हमने पढ़ा है, एंड इनके बीच में हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रखा है या इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, फोर्स क्या होगा, टॉर्क क्या होगा? टॉर्क का मतलब क्या है कि अगर कोई भी बॉडी रोटेट करे तो उस पर जो फोर्स एक्ट होता है उसे ही हम टॉर्क कहते हैं, ठीक है। रोटेटिंग के लिए फोर्स आप टॉर्क यूज करते हैं, ठीक है। और सिंपली अगर बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में या टू डायमेंशन में, थ्री डायमेंशन में, तो फोर्स होता है, ठीक है, उस क्वांटिटी को हम फोर्स बोलते हैं, और रोटेट कर रही है तो टॉर्क होगा। नाउ टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो होगी पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा, ओके। टॉर्क की जो वैल्यू होगी टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। अगर कोई बॉडी या कोई इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो होगा, बट इलेक्ट्रिक डायपोल में ये जो सेम लाइन ऑफ एक्शन दोनों
जो चार्जेस हैं वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है, इसीलिए यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस होगा और टॉर्क की वैल्यू होगी पी क्रॉस ई। क्रॉस प्रोडक्ट शोज द वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगी। ओके, अब पी क्रॉस ई तो क्रॉस प्रोडक्ट रिमूव करेंगे सो आपके पास साइन थीटा हो जाएगा। नाउ पी, हियर पी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड ई। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन पी एंड ई। ई एंड पी नहीं बोलेंगे आप, क्यों, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो अभी क्लॉक वाइज मूव कर रहा है, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको घुमा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर टू कंडीशन है, मिनिमम टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क कैसे फाइंड करें। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल या एंटी पैरेलल है, मींस थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, 0 डिग्री मीन इन द सेंस इलेक्ट्रिक डायपोल को आपने इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, ठीक है, और 180 डिग्री मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल रखा है, ठीक है। सो यहाँ पर मिनिमम टॉर्क आपको मिलेगा इस कंडीशन में 0 होगा, और मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा, जब इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, मीन्स थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, क्योंकि साइन थीटा साइन 90 होता है 1, सो टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू पी ई। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल का मतलब अगर टॉर्क आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, पैरेलल रखा हुआ है, तो वो चेंज नहीं होगा, उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है, बट हमने उसे एंटी पैरेलल कर दिया, तो एंटी पैरेलल में इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो ट्राई करेगा कि वो अगेन उसके पैरेलल आ जाए, ठीक है, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ जाए। तो ये अनस्टेबल कंडीशन है 180 डिग्री पर, मीन्स एंटी पैरेलल में वन अनस्टेबल कंडीशन है एंड 0 डिग्री में स्टेबल कंडीशन। ओके, नाउ वर्क डन इज रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेट कर रहा है तो उस पर वर्क डन क्या होगा। सो वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल एक एंगल से दूसरे एंगल पर जाता है, तो कुछ ना कुछ वर्क होता है, वही वर्क डन इस फॉर्म में इस इक्वेशन के थ्रू आप दे सकते हैं, ठीक है। वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम द पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में 0 डिग्री एंड अनस्टेबल के लिए 180 डिग्री, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, सो फाइनली वी हैव W इज इक्वल टू 2 PE, ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन, एंड थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री ले, सो वर्क डन इज इक्वल टू PE, एंड पोटेंशियल एनर्जी इसी वर्क डन में स्टोर हो जाती है, सो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले एज इट इज आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सो जनरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, ठीक है, मीन्स अगर आप एक सरफेस ले इस तरह से, और सरफेस का जो एरिया है, एरिया तो हमारी तरफ, अगर कोई सरफेस जैसे मैंने ये सरफेस ले लिया तो इसका जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन तो मेरी तरफ होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने मेरी तरफ कर रखा है उसका, तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर इन द सेंस इस पूरे एरिया में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, वो ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई की वैल्यू एरिया ऑफ दिस सरफेस पर डिपेंड करता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतने ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगे, और जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने ज़्यादा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उस एरिया में कवर होंगे, ठीक है, मीन्स फाई की वैल्यू डिपेंड करती है ए पे, ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और फाई की वैल्यू डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, दोनों से एक फॉर्मूला जनरेट होता है, फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी डेल एस, ठीक है, ए या एस भी लिख सकते हैं, ठीक है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ओके, सो यहां पर इट इज अ वेक्टर फॉर्म, एंड इफ वी टॉक अबाउट द वेक्टर फॉर्म, सो वेक्टर फॉर्म के लिए ई डॉट डेल एस, ठीक है, या डेल ए भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा को रिमूव किया तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट में ई डॉट डेल एस होगा, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ही पॉइंट के ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिपेंड करता है गाउस लॉ। नाउ गाउस लॉ क्या कहता है, गाउस लॉ के अकॉर्डिंग द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज सर्फेस, ठीक है, गाउस लॉ में कंडीशन ये है कि जो भी सर्फेस आप ले रहे हैं वो क्लोज होना चाहिए, वो सिमेट्री होना चाहिए, और गाउस लॉ शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है, आप कोई भी शेप ले लो, ठीक है, बट सिमेट्री होना चाहिए एंड क्लोज होना चाहिए, देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्यू इनसाइड में इस सरफेस के इनसाइड जितना भी चार्ज है उसे आप कंसिडर करेंगे एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर ये जो वैल्यूज है ये फिक्स वैल्यू है कॉन्स्टेंट के लिए, बट अगर आप डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लिए गाउस लॉ फाइंड करना चाहते हैं सो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा। ओके, नाउ गाउस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे सिलेबस में हैं,
फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फाइनाइट लॉन्ग थिन स्ट्रेट चार्ज वायर, ठीक है, मीन्स एक वायर है आपके पास जो कि इन्फाइनाइटली लॉन्ग है और थिन है, ठीक है, उसके थ्रू किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है लेमडा बाई 2π0 × r। हियर r इज द रेडियस ऑफ दिस वायर एंड लेमडा की वैल्यू, लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होती है q/l। हियर l इज द लेंथ ऑफ दिस वायर। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट जो है वो उसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा इज द एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके, क्यू बाय ए हो जाएगा, तो सिग्मा डिवाइडेड बाय 2ε0। ये जो प्लेन शीट है ये काफ़ी थिन है, ठीक है, मीन्स आप शीट का जो अपर पार्ट है वही ले रहे हैं, ठीक है। अगर शीट के दोनों पार्ट्स को, मतलब अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों पार्ट को कंसिडर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है, और फॉर कंडक्टिंग प्लेट इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन में हमने सारे टॉपिक्स को कंसिडर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज लेकर आते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।